हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल आज के वीडियो में मैं आपके साथ एलकेजी क्लास का सिलेबस शेयर करूंगी जिसे फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इंग्लिश मैथ हिंदी एंड ई आपके बच्चे स्टेट बोर्ड में हो या सीबीएसई में हो दोनों के लिए आप ये पैटर्न यूज कर सकते हैं एंड इस पैटर्न के थ्रू अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं सो नाउ लेट गेट स्टार्ट फर्स्ट है इंग्लिश इंग्लिश में कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स नर्सरी क्लास में बच्चों को ट्रेसिंग के थ्रू कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स पढ़ा दिए जाते हैं उन्हें बनाना सिखाए जाते हैं जब बच्चे किन्डर में आते हैं तो उन्हें कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है प्रॉपर राइटिंग वर्क करने के लिए दिया जाता है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स को उसके अलावा अपर केस लेटर्स टू लोअर केस लेटर मैच करने के लिए दिए जाते हैं इस तरह से एक तरफ कैपिटल लेटर लिखे रहते हैं स्मॉल लेटर्स एंड बच्चों को मैच करने के लिए दिए जाते हैं नेक्स्ट है सी द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट लेटर बच्चों को पिक्चर देखकर करेक्ट लेटर पर सर्कल करना होता है इस तरह से जैसे यहाँ पर तीन पिक्चर बने हुए हैं एंड तीनों स्टार्ट विथ लेटर एम मून मैंगो एंड मैड तो यहाँ पर एम पर बच्चों को सर्कल करना है ऐसे यहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए हुई है और इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को स्कूल में कराई जाए नेक्स्ट है वोवेल एंड कॉन्सोनेट्स बच्चों को एल क्लास में वॉवल एंड कॉन्सोनेट से इंट्रोड्यूस किया जाता है फाइव वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू एंड अदर देन ऑल कॉन्सोनेट्स होते हैं ये बच्चों को एल क्लास में पढ़ाया जाता है प्रॉपर बच्चों को आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए एंड फोनिक साउंड्स के थ्रू बच्चों को सारे लेटर्स पूछे जाते हैं उन्हें फोनिक साउंड्स भी आना चाहिए अदर देन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स बच्चों को एल क्लास में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक इंट्रो बच्चों को कराया जाता है लॉन्ग वॉवल साउंड एंड शॉर्ट वॉवल साउंड के साथ नेक्स्ट है टू लेटर वर्ड्स एंड सी बी सी वर्ड्स बच्चों को टू लेटर वर्ड्स एंड सी बी सी वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाती है रीड करना सिखाया जाता है फोनिक साउंड्स के थ्रू राइटिंग वर्क करना सिखाया जाता है टू लेटर वर्ड्स एंड थ्री लेटर वर्ड्स की नेक्स्ट है फैमिली वर्ड्स ये सिंपल वर्ड्स होते हैं जैसे एट एप एम एन इस तरह के वर्ड्स बच्चों को सिखाए जाते हैं जो कि बच्चों को रीडिंग वर्क में हेल्प करते हैं नेक्स्ट है साइट वर्ड्स किन्डर uh, गार्डन में बच्चे जैसे ही एल के जी में जाते हैं उन्हें साइट वर्ड्स पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं एवरी वीक वन साइट वर्ड बच्चों को लर्न कराया जाता है एंड उसकी बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है नेक्स्ट है डाइग्राफ डाइग्राफ में बच्चों को ओनली फोर टू फाइव डायग्राफी पढ़ाए जाते हैं जैसे च श फ व एंड थ ये डायग्राफी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स बच्चों को एल के जी क्लास में राइमिंग वर्ड्स पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं राइमिंग वर्ड्स बच्चों की लिसनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इस तरीके से जैसे बैट बैट के राइमिंग वर्ड्स सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स जो होते हैं जैसे बैट मैट कैट रैट बिग का राइमिंग वर्ड हुआ विग पिग इस तरह के राइमिंग वर्ड्स बच्चों को एल क्लास में कराए जाते हैं नेक्स्ट है अपोजिट्स बच्चों को सिंपल अपोजिट्स कराए जाते हैं जैसे इन आउट बिग स्मॉल टॉल शॉर्ट डे नाइट हॉट कॉल लाइट डार्क इस तरह के अपोजिट्स बच्चों को सिखाए जाते हैं एंड लास्ट है पोजिशनल वर्ड्स बच्चों को एल क्लास में पोजिशनल वर्ड से इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन इन साइड आउटसाइड बिसाइड्स बिहाइंड इस तरह से बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू पोजिशनल वर्ड से इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इस तरह से इंग्लिश में कैपिटल स्मॉल लेटर्स पढ़ाए जाते हैं वोवेल कॉन्सोनेंट्स टू लेटर वर्ड्स सी बी सी वर्ड्स फैमिली वर्ड्स साइट वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स अपोजिट्स एंड पोजिशनल वर्ड से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है इसमें बच्चों को प्रीमेड कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है नर्सरी क्लास में यही कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है और इनका रिविजन एल क्लास में कराया जाता है नंबर्स में वन टू फिफ्टी तक नंबर्स या वन टू हंड्रेड तक नंबर्स बच्चों को सिखाए जाते हैं टोटली डिपेंड्स ऑन स्कूल करिकुलम कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनमें वन से फिफ्टी तक के नंबर्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं कुछ स्कूल्स में वन से हंड्रेड तक के नंबर्स में पढ़ाए जाते हैं अगर आप बच्चों को वन से हंड्रेड तक नंबर पढ़ाना चाहते हैं तो ईजिली पढ़ा सकते हैं बच्चे एल में आने के बाद वन से हंड्रेड तक के नंबर्स ईजीली सीख जाते हैं बच्चों को राइटिंग वर्क करना सिखाया जाता है वन से फिफ्टी या वन से हंड्रेड तक का मिसिंग नंबर्स बच्चों को मिसिंग नंबर्स को फाइंड करना होता है काउंट एंड राइट काउंट एंड मेच ये एक्टिविटीज कराई जाती है इसमें बच्चों को नंबर्स जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहता है उसे काउंट करना रहता है एंड राइट डाउन करना रहता है उसके अलावा ऑब्जेक्ट काउंट करके सर्कल करना होता है ये एक्टिविटीज बच्चों को एल क्लास में कराई जाती है नेक्स्ट है बैकवर्ड काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग में टेन टू वन तक की बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को सिखाई जाती है टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स बच्चों को सिखाए जाते हैं इस तरह से बिफोर नंबर जैसे सेवन के पहले कौन सा नंबर आएगा सिक्स तो यहाँ पर सिक्स लिखने के लिए दिया जाता है सिक्स के पहले फाइव आएगा तो इस तरह से बिफोर नंबर लिखने के लिए दिए जाते हैं एंड आफ्टर नंबर सिखाए जाते हैं जिससे सिक्स के बाद आएगा सेवन तो यहाँ पर सेवन लिखना है एट के बाद आएगा नाइन तो यहाँ पर नाइन लिखना है तो इस तरह से बच्चों को बिफोर एंड आफ्टर नंबर सिखाए जाते हैं नेक्स्ट है नंबर नेम्स बच्चों को नंबर नेम्स सिखाए जाते हैं वन से टेन तक ओ एन ई वन टी डब्ल्यू ओ टू टी एच आर ई ई थ्री इस तरह से वन से टेंथ तक बच्चों को नंबर स्पेलिंग्स लर्न कराई जाती है नेक्स्ट है पैटर्न्स बच्चों को सिंपल पैटर्न्स पढ़ाए जाते हैं जैसे स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल इस तरह के पैटर्न्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं टू शेप्स वाले पैटर्न्स बच्चों को इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एल के जी क्लास में नेक्स्ट है एडिशन बच्चों को टॉयज के थ्रू एडिशन सिखाया जाता है एंड एल के जी में आने पर बच्चों को सिंगल डिजिट एडिशन करना सिखाया जाता है इस तरह से सिंगल डिजिट डिजर्स लिखकर बच्चों को एडिशन करने के लिए दिया जाता है नेक्स्ट है शेप्स शेप्स में बच्चों को टू डी शेप से इंट्रोड्यूस किया जाता है जैसे सर्कल ओवल रेक्टेंगल स्क्वेयर ट्राइंगल स्टार रोम्बस हार्ट इस तरह से बच्चों को टू डी शेप से इंट्रोड्यूस किया जाता है नेक्स्ट है कलर्स बच्चों को कलर से इंट्रोड्यूस किया जाता है रेनबो के थ्रू या डिफरेंट एक्टिविटीज में जो कलर्स यूज करते हैं उनके थ्रू बच्चों को कलर से इंट्रोड्यूस किया जाता है नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स टॉयज़ का यूज़ करके बच्चों को टॉयज की सॉर्टिंग करने के लिए दी जाती है अकॉर्डिंग टू शेप नंबर और कलर इस तरह से बच्चों को शॉर्टिंग करने के लिए दी जाती है टॉयज की इस तरह से बच्चों को मैथ में प्री मैथ कॉन्सेप्ट नंबर्स बैकवर्ड काउंटिंग बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स नंबर नेम्स पैटर्नस एडिशन शेप्स कलर्स एंड एट्रीब्यूट से बच्चों को इंटर हिंदी हिंदी में अ से अह तक के स्वर बच्चों को पढ़ाए जाते हैं जिनमें उन्हें अ से अह तक स्वर पढ़ना भी आना चाहिए और लिखना भी सिखाया जाता है क से तक व्यंजन सिखाए जाते हैं जिन्हें बच्चों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए पहचानना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए सही अक्षर से चित्र का मिलान तो इस तरह से एक्टिविटी कराई जाती है जिसमें एक साइड अक्षर लिखे होते हैं एक साइड पिक्चर्स बनी हुई होती है तो बच्चों को सेम अक्षर जैसे यहाँ पे है अ से अ से स्टार्ट होता है अनार तो यहाँ से बच्चों को इस तरह से मिलाना होता है तो ये एक्टिविटी बच्चों को कराई जाती है सही अक्षर से अक्षर को मिलाना ये एक्टिविटी कराई जाती है सेम अक्षर से सेम अक्षर को मिलाना होता है एक से दस तक की गिनती सिखाई जाती है बच्चों को ओरल में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इस तरह से हिंदी में बच्चों को गिनती पूछी जाती है कविताएं बच्चों को आठ से दस कविताएं पढ़ाई जाती है कहानियों में चार से पाँच कहानियाँ बच्चों को पढ़ाई जाती है इसके अलावा वाहनों के नाम फलों के नाम एंड सब्जियों के नाम बच्चों को हिंदी में पढ़ाए जाते हैं और ओरल में बच्चों को वाहनों के पाँच नाम फलों के पाँच नाम एंड सब्जियों के पाँच नाम पूछे जाते हैं इस तरह से हिंदी में बच्चों को अ से असहा तक स्वर पढ़ना और लिखना सिखाए जाते हैं क कैसे गैतक व्यंजन अक्षर से अक्षर को मिलाना अक्षर से पिक्चर को मिलाना एक से दस तक की गिनती सिखाई जाती है कविताएँ कहानियाँ वाहनों के नाम फलों के नाम और सब्जियों के नाम ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ई वी में फर्स्ट है माई सेल्फ इसमें बच्चों को बॉडी पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं आइज नोज़ ईयर टंग टीथ इनके अलावा बच्चों को एल्बो शोल्डर नीज इनसे प्रोड्यूस किया जाता है फैमिली के बारे में बताया जाता है फैमिली ट्री के थ्रू ग्रैंडफादर, फादर ग्रैंड मदर फादर मदर ब्रदर सिस्टर इनसे इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गन्स में बच्चों को सेंस ऑर्गन से इंट्रोड्यूस किया जाता है फाइव सेंस ऑर्गन जो होते हैं उनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है नेक्स्ट है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एल क्लास में बच्चों को लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स सिखाई जाती है एंड उन्हें सेपरेट आउट करना सिखाया जाता है उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से वेहिकल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है फ्रूट्स नेम वेजिटेबल नेम्स फ्लावर नेम्स इनसे इंट्रोड्यूस किया जाता है एनिमल नेम्स में डोमेस्टिक एनिमल वाटर एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल्स डिफरेंट कैटेगरी के कौन से एनिमल्स होते हैं इनसे इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड बच्चों को ये ओरल में पूछे भी जाते हैं ट्रांसपोर्ट में कौन सा रोड ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है ये पूछा जाता है फ्रूट नेम्स फ़ाइव फ्रूट नेम फाइव वेजिटेबल्स नेम फाइव फ्लावर्स नेम ये सब चीज़ें बच्चों को पूछी जाती है नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल्स इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्री कलर्स होते हैं रेड मीन्स स्टॉप येलो मीन्स वेट या स्लो एंड ग्रीन मीन्स गो इनसे इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके अलावा बेसिक मैनर्स बच्चों को सिखाए जाते हैं सॉरी थैंक यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी इन वर्ड्स का यूज़ करना बच्चों को सिखाया जाता है उसके अलावा जंक फूड एंड हेल्दी फूड से इंट्रोड्यूस किया जाता है जंक फूड क्या होता है हेल्दी फूड क्या होता है नेक्स्ट है सीजन बच्चों को सीजन के बारे में बताया जाता है वेदर से बच्चों को डेली इंट्रोड्यूस किया जाता है आउटसाइड कौन सा वेदर है ये बच्चों को डेली बताया जाता है जिससे बच्चे इजीली वेदर पहचानना सीख जाते हैं नेक्स्ट है डेज ऑफ द वीक बच्चों को डेज के नेम लर्न कराए जाते हैं विद स्पेलिंग्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं उसके अलावा मंथ्स ऑफ द ईयर बच्चों को नेम जनवरी टू दिसंबर तक ओनली नेम लर्न कराए जाते हैं नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्पर्स बच्चों को कम्युनिटी हेल्पर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जैसे ये शेफ फार्मर नर्स पुलिस मैन एंड शेफ अगेन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर तो इनके क्या वर्क होते हैं इनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है नेक्स्ट है नेशनल थिंग्स बच्चों को नेशनल थिंग्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है नेशनल बर्ड नेशनल फ्लावर नेशनल ट्री नेशनल फ्रूट नेशनल फ्लैग इन सब चीजों से बच्चों को एल में इंट्रोड्यूस किया जाता है ई में बच्चों को माई सेल्फ में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती है लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स ट्रांसपोर्ट फ्रूट नेम्स वेजिटेबल नेम्स फ्लावर नेम्स एनिमल्स के बारे में ट्रैफिक सिग्नल्स बेसिक मैनर्स जंक एंड हेल्दी फूड के बारे में सीजन एंड वेदर डेज ऑफ द वीक मंथ्स ऑफ द ईयर कम्युनिटी हेल्पर्स एंड नेशनल थिंग्स इनके बारे में पढ़ाया जाता LKG है एल क्लास का सिलेबस इंग्लिश हिंदी मैथ एंड ई अब इसके अकॉर्डिंग बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हैं इन सभी टॉपिक में से अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मैं आपको सिंपल एंड ईजी वे में बताऊंगी कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना हम हाँ मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ टिल देन बाय बाय टेक केयर